नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों कल चंडीगढ़ के एयरपोर्ट रोड पर एक कुख्यात गैंगस्टर की गोली मारकर गैंगवॉर में हत्या कर दी गई थी। उस गैंगस्टर की जब हत्या हुई तो उसके बारे में जब खुलासा हुआ कि जम्मू कश्मीर का एक कुख्यात गैंगस्टर था, और कई सारे पहलू उसके बाद निकल कर सामने आए, जिसमें अब एक नया एंगल खुलकर सामने आ रहा है। उसके परिवार वाले भी आ चुके हैं, लेकिन अब इस केस में किस गैंगस्टर ने उसकी हत्या करवाई है या फिर उसके हत्याकांड में कौन से लोग शामिल हैं। और जम्मू कश्मीर का वो जब रहने वाला था तो पंजाब के मोहाली में आकर, चंडीगढ़ में आकर क्यों उसकी हत्या की जाती है, इन सारे राज से पर्दा उठा है। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से गैंगस्टर मोहन डोगरा के बारे में एक एक बात में बताएंगे, जिसमें कि वो गैंगस्टर दरअसल किस गांव का रहने वाला था, उसके ऊपर कई आरोप लग रहे हैं, और जो हत्यारा है उसका दोस्त बताया जा रहा है, लड़कीबाजी वाला एंगल भी निकल कर सामने आ रहा है, बहुत सारे एंगल इस केस में निकल कर सामने आ रहे हैं, जो मैं आज के इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। दोस्तों एक बार फिर आपको नमस्ते करते हैं, आप देखते रहिए VDF न्यूज। एक बार फिर आपको नमस्कार करते हैं। देखिए, मोहाली एयरपोर्ट रोड पर सेक्टर 67 के पास जो शॉपिंग मॉल है उसके बाहर गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के कुख्यात गैंगस्टर राजेश उर्फ मोहन डोगरा की हत्या हो जाती है। इस मामले में अब अहम खुलासे हो गए हैं। गैंगस्टर डोगरा अपने बिजनेस पार्टनर और जिगरी दोस्त बंटी और राजा के साथ मोहाली आया था। शुक्रवार को एक स्कॉर्पियो कार में ये कहकर घर से निकला था कि वो अपने दोस्त बंटी के साथ अयोध्या जाएगा, राम मंदिर में दर्शन करेगा। और इस मामले में उसका जो एक दोस्त है उसे हिरासत में लिया गया है, जिसका नाम बंटी बताया जा रहा है। पूछताछ करने के बाद बंटी ने जो खुलासा किया है वो बड़ा चौंकाने वाला है। दरअसल राजेश जो गैंगस्टर है उसके बंटी के पत्नी से अवैध संबंध है। ऐसे में जम्मू से जो डोगरा के भाई हैं शव लेने पहुंचे हैं, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि संबंधों के चलते बंटी ने अपने दोस्त और विरोधी गैंग के गैंगस्टरों से उसकी हत्या करवाई हो। हालांकि कल देखा हमने, राजेश डोगरा के पोस्टमार्टम के लिए जो जम्मू से उसके भाई आए थे, इस बात को उन्होंने पहले तो नकारा कि उनका भाई लड़कीबाज बिल्कुल नहीं था। उनके भाई ये कह रहे हैं कि उसका जो भाई था उसके कत्ल की जानकारी उन्हें जब टीवी में उन्होंने न्यूज़ देखी तो मिली। वो रात को ही जम्मू से मोहाली के लिए रवाना हो गए, पोस्टमार्टम हुआ उसका, उसके बाद शव को उसके भाइयों को सौंप दिया गया। अब जो उसका अंतिम संस्कार है वो जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। अब तक मामले में देखा जाए तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, एक को छोड़कर। गैंगस्टर राजेश डोगरा का शव दरअसल दोपहर मोहाली के फेज 6 के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ था, और इस दौरान जैसा मैंने जिक्र किया कई सारी बातें निकल कर सामने आई। तो उसमें एक बात ये थी कि उसकी शादी नहीं हुई थी और पिछले कई साल से वो भगवान की भक्ति कर रहा था। उसने जम्मू में ही एक गढ़ माता का मंदिर बनवाया था। साल 2007 से 2014 तक वो अपराध की दुनिया में था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से सुधर चुका था और पिछले कई सालों से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा था। परिवार के लोग कह रहे हैं कि राजेश समेत कुल 5 भाई थे। इस हत्या के पीछे उन्होंने, परिवार के लोगों ने, जम्मू का एक बगड़ा गैंग है उसे जिम्मेदार भी ठहराया और कहा कि वो गाड़ी में बंटी के साथ था, जिसकी चंडीगढ़ में ससुराल है, और उसी ने ही धोखे से रेकी करवाकर, यानी बकरा गैंग ने रेकी करवाकर उसकी हत्या करवाई है। राकेश जो उसका भाई कह रहा है कि राजेश पल्लू गैंग से जुड़ा हुआ था और गैंग में वो अकेला मेंबर बचा हुआ था, बाकी सब गैंग वॉर में मारे जा चुके हैं। वो अयोध्या में दर्शन करने के लिए कहकर अपने घर से निकला था, लेकिन रास्ते में सुनियोजित तरीके से उसके भाई की हत्या कर दी गई। राकेश ने यह भी कहा, जो उसका भाई है, कि बंटी के साथ बैठे जो ड्राइवर थे वो भी इस वारदात में शामिल हो सकते हैं, इस बात का शक है। संदिग्ध आरोपियों के जो नाम हैं वो राजा सिंह शालू जैसे तमाम ऐसे नाम हैं, और जो गैंगस्टर बकरा है सोनू पर इस हत्या करने का आरोप लगा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि जम्मू पुलिस ने इस मामले में सोनू को पकड़ा है और उसे पूछताछ के लिए मोहाली भी पुलिस ला सकती है। जबकि मोहाली गैंगवॉर में जो राजेश डोगरा उर्फ मोहन चीर उर्फ मोहन डोगरा बहुत कुख्यात गैंगस्टर था, जिस पर नामी गैंगस्टर संजय गुप्ता उर्फ बकरा की हत्या समेत कई आपराधिक मामले उसके ऊपर दर्ज थे, और पिछले 14 सालों से मोहन का जेल में आना जाना लगा हुआ था। कभी PSL लगाकर जेल भेज दिया जाता तो कभी बकरा की हत्या के मामले में। जानकारी जो मिल रही है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि मूल रूप से रियासी का रहने वाला था, और डोगरा लंबे वक्त से जम्मू के न्यू प्लॉट जानीपुर में रहता था, और पिछले साल सितंबर में डोगरा पर PSA हटाया गया था, जो कि साल 2022 के अप्रैल में उसके ऊपर लगाया गया था।
इसके पहले भी मोहन पर 2021 में पीएसए लगा था। मोहन चीर उर्फ डोगरा ने शादी नहीं की थी, मैं जिक्र कर चुका हूँ। मोहन चीर ने 2006 में जम्मू के रहने वाले संजय गुप्ता यानी अपने विरोधी गैंग के बदमाश बकरा को अपने दो साथियों के साथ मिलकर इसने उसकी हत्या की थी। और अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि बकरा गैंग के बदमाशों ने उसकी पहले रेकी करवाई है और फिर उसकी हत्या की है। तो इस पूरे मामले में जो मेन संदिग्ध है वो इसका दोस्त है बंटी, जो इसके साथ यानी कि डोगरा के साथ उस वक्त मोहाली में था और एक ड्राइवर था। इन लोगों ने बकरा गैंग के साथ पहले समझौता किया, रेकी की गई और फिर मौका देखकर मोहाली के आसपास उसकी हत्या कर दी गई। अब देखिए कहानी दरअसल ये निकल कर सामने आ रही है कि गैंगस्टर मोहन उर्फ डोगरा तो मारा जा चुका है, लेकिन उसके साथी जो है बंटी, जिसके ऊपर आरोप लगा है, बंटी खुलकर कह रहा है कि मेरी बीवी के साथ इसका संबंध था और इसीलिए मैंने उसकी इसके लिए उसने हत्या नहीं करवाई। कुछ इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये कुछ बातें हैं। लेकिन परिवार इस बात से मना कर रहा है कि वो लड़कीबाज नहीं था। अब जो भी है, देखा जाए तो ये जम्मू का कुख्यात गैंगस्टर था और जब इसने विरोधी गैंग के बदमाश संजय गुप्ता उर्फ बकरा को मारा था, तभी से बदले की खातिर इसके पीछे विरोधी गैंग के बदमाश लगातार लगे हुए थे, रेकी कर रहे थे और अब जब मौका मिला तो उन्होंने इस गैंगस्टर को मरवा दिया। कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो दोस्तों ये कहानी बकरा के विरोधी गैंग के बदमाश डोगरा मर्डर की थी। डोगरा मारा जा चुका है, जम्मू पुलिस भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मोहाली की पुलिस तो कर ही रही है। फिलहाल देखना है होगा कि आगे खुलासा और क्या होता है। तो यही इस पूरे कहानी की कड़ी थी जो नया एंगल निकल कर सामने आया है। तो इसमें आप अपने विचार रख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।